जय हिंद फ्रेंड्स, ये है सुरेन डीसी यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं हैट्रिक। चलिए देखते हैं आईपीएल और क्रिकेट जगत से आज के लिए तीन बड़ी खबरें कौन सी हैं। स्टे ट्यून्ड, लेट्स बिगिन। भारत की नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा ने अपने यूएई काउंटर पार्ट नेशनल एंटी डोपिंग कमेटी यानी कि नाडो ने मिलकर ये फैसला लिया है कि आईपीएल में खेले जाने वाले हर खिलाड़ियों पर दोनों संस्थाएं नजर रखेंगी। नाडा के प्रवक्ता ने बताया कि इस बार के सभी टेस्ट नो कॉन्टैक्ट बेसिस पर होंगे, जिसका साधारण भाषा में ये मतलब है कि प्लेयर्स बाहर के किसी व्यक्ति से कांटेक्ट न करें, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा और अगर कभी ऐसा होगा तो दोनों एजेंसीज मिलकर उसकी छानबीन करेंगी। दोस्तों, इस बार यूएई में होने वाला आईपीएल बायोसिक्योर बबल में खेला जाएगा। इस तरह से नाडा और नाडो दोनों को काम करने में कोई खास परेशानी नहीं आएगी। भारतीय सरकार से भी आईपीएल को लेकर परमिशन मिल गई है और फौरन कार्रवाई शुरू करते हुए बीसीसीआई ने आईपीएल स्पॉन्सर के लिए बिड प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। बांग्लादेश के गेंदबाज सैफुद्दीन ने विराट कोहली और रोहित शर्मा पर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये वो दोनों बैट्समैन हैं जिनको खेलते हुए देखकर उनका क्रिकेट के प्रति रुझान बढ़ा और वे उनसे हमेशा प्रेरित हुए। आगे कहते हुए उन्होंने बताया कि इस बात का खुलासा उन्होंने रोहित शर्मा के सामने भी किया था। वर्ल्ड कप 2019 के दौरान कार्डिफ में खेले गए एक प्रैक्टिस मैच के दौरान उन्होंने रोहित शर्मा से कहा, मैंने आपको 10-12 साल टीवी पर खेलते हुए देखा है, समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। उन्होंने बताया कि रोहित शर्मा सिर्फ मुस्कुराए और कहा कि बेस्ट ऑफ लक, अपना बेस्ट करो, सब कुछ अच्छा होगा। उन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि स्ट्राइक छोर पर थे रोहित शर्मा और नॉन स्ट्राइक पर थे विराट कोहली। उस समय उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि इस जोड़ी में से किसी एक को आउट कर पाना और वे इसमें सफल रहे। इस मैच में उन्होंने विराट कोहली को आउट किया। एक्साइटमेंट से भरे सैफुद्दीन ने कहा कि ये उनके लिए किसी सपने के सच हो जाने से कम नहीं था। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और कप्तान जावेद मियांदाद ने पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खान पर सनसनीखेज खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा है कि इमरान खान वो शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट को बर्बाद कर दिया। जावेद मियांदाद ने इमरान खान को पुराने दिनों की याद दिलाते हुए कहा कि मैं तुम्हारा कप्तान हूँ, तुम मेरे कप्तान नहीं, मुझे पता है तुम्हारी लगाम किस तरह से खींचनी चाहिए। जावेद मियांदाद ने पीसीबी में भाई भतीजावाद को लेकर आवाज उठाई है। उन्होंने पीसीबी के वसीम खान पर डायरेक्ट वार करते हुए कहा, इमरान खान ने यूं ही विदेश से किसी को भी लाकर पीसीबी के ऊंचे ओहदे पर बिठा दिया है। वसीम खान जैसा व्यक्ति अगर पीसीबी के साथ कोई घोटाला भी करता है और भाग जाता है तो उसे पकड़ना भी बहुत मुश्किल होगा। पीसीबी में मौजूदा अधिकारियों का क्रिकेट नॉलेज जीरो है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अपनी पसंद के व्यक्तियों और दोस्तों से पीसीबी को भर रखा है और पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद कर दिया है। दोस्तों, ये थी आज की तीन बड़ी क्रिकेट खबरें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे कल फिर और देखेंगे जानेंगे तीन नई ताजा खबरें। तब तक के लिए इजाजत, जय हिंद।